गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज सोमवार है और मेरा फास्ट है, तो अभी पी है मैंने चाय और उसके बाद मैं बनाऊंगी सवा के चावल की खिचड़ी और फिर मैं जाऊंगी मंदिर। मंदिर में होकर आ गई हूँ और मैंने आके खाना भी खा लिया है। खाना मीन्स खिचड़ी और थोड़ी सी लेते हैं दही, और चटनी बनाने के लिए इन दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो मैंने बनाई है थोड़ी सी अदरक टमाटर हरी मिर्च और दही डाल के हिंग जीरा डाल के रस के लिए चटनी, और अब मैंने खा लिया है। मैं करूँगी थोड़ी देर आराम। तो ये मेरी हैं मल्टी विटामिन टैबलेट्स, तो ये अल्टरनेटिव डेज पे ली जाती हैं। तो इनको लेने से पहले मैंने सोचा था कि कैसे इनको मैनेज करूँगी, तो मेरे को एक आसान तरीका मिल गया, मैं आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसे हमें ये सोमवार से शुरू करनी है तो हम इस पर ऐसे करके लिख लेंगे, अल्टरनेटिव डेज डाल देंगे। तो जैसे मैंने ये थर्सडे से शुरू करी है, ट्यूसडे से, ये ट्यूसडे हो गया, ये थर्सडे हो गया, सैटरडे मंडे और वेनसडे, फ्राइडे संडे, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। तो इस तरह से आप अपनी पहचान बना के ऐसे डेज के नेम्स लिख लीजिए, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे अगर नहीं लिखेंगे तो। मुझे बहुत आसान लग रहा है ये, तो इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। और शाम में अब मैं बनाऊंगी लौकी और पराठा, सिंपल लौकी हिंग जीरा वाली, तो अब उसकी तैयारी करूंगी और कैसी बनेगी आपको दिखाऊंगी। तो खाते खाते मुझे याद आया है हिंग जीरे में छुपी हुई बहुत ही टेस्टी लगती है व्रत की सब्जी। तो इस तरह से मंडे का दिन ख़त्म, अब ये है ट्यूसडे मॉर्निंग, मैं आपको दिखाती हूँ किचन में। तो ये मेरा है ट्यूसडे मॉर्निंग का शेड्यूल, करेले बनाने जा रही हूँ, कटिंग करके मुझे मिल गई है। तो ये प्याज हैं, करेले के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, दाल मैंने बना ली है और चावल मैं बनाने जा रही हूँ। इस सबको करके जाऊंगी मैं नहाने, फिर बनाऊंगी रोटियाँ। तो दाल को मैंने तड़का लगा के अब रख दूंगी साइड, ये बन चुकी है, और करेले में फ्राई करती रहूंगी। पहले करेले में फ्राई करके निकाल लूंगी, करेले को फ्राई करके मैंने साइड निकाल लिया था, फिर प्याज को फ्राई करा है, दोनों को मिला के नमक मिर्च वगैरह सब डाल दिए हैं इसमें। और अगर आपको खट्टा खाना है तो इसमें आप नींबू का जूस डाल सकते हैं। और ये बहुत जल्दी रेडी हो गए हैं, तो करेले बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। अब थोड़ा ठंडा होने पर आप इसमें डाल दीजिए नींबू का जूस, नहीं जरूरत है तो बिल्कुल मत डालो। जितनी क्वांटिटी मैंने दिखाई थी उसमें मेरा ये भरा है एक कटोरा, डाल दिया मैंने इसमें नींबू, इन्हें आप 4-6 दिन भी रख सकते हैं। ये है नींबू, इनका बना रहे हैं हम अचार। तो ऐसे इसे मसाले के साथ मिला देंगे, मसाले के साथ इसे अच्छे से मिला लिया है और इसको भर के रख देंगे, 8 दिन के बाद इसको देखेंगे, फिर दोबारा दिखाऊंगी कैसा हुआ है। पूरा डब्बा भर गया है लेकिन दूसरे डब्बे में करना पड़ा है, ये एक में ही आ जाएगा, बहुत कम हो जाता है सूख सूख। और शाम का समय इसीलिए खाली छोड़ा था, नींबू का अचार बनाया है। ये ट्यूसडे का दिन मेरा खत्म है, अब मिलती हूँ मैं आपसे सुबह मॉर्निंग। तो इसमें मैंने 2 किलो नींबू, 1/2 किलो चीनी और गरम मसाला और सेंधा नमक डाला है, लाल मिर्च डाल दी है, आप काली डाल सकते हैं। तो वेनसडे मॉर्निंग मैं जा रही हूँ अब चाय बनाने, वेनसडे मॉर्निंग को करते हैं थोड़ा सा गुड। बन रही है मेरी चाय, पैकेट से निकाल के दूध उबलना रख दिया है और मैं जा रही हूँ सब्जी छौंकने। सब्जी में बनाऊंगी आज हरे बैंगन वाली, तो इस तरह से मुझे कट करके मिल गई है ये प्याज। टमाटर में मैंने सभी सामान डाल लिया है और बनाऊंगी मैं सरसों के तेल और अचारी मसाले के साथ। तो प्याज मेरी भुन गई है, डालती हूँ टमाटर वाला मसाला। तो आज मैंने बनाई है थोड़ी रेशेदार कुकर में, और खा के बताती हूँ कैसी बनी है, कभी कभी मन करता है रेशेदार सब्जी। और बहुत ही सिंपल सी आलू बैंगन की सब्जी बनी है, अच्छी लगी सबको। और अब मेरा हो गया सुबह का काम, शाम को मैं क्या करूँगी शेयर करती हूँ। थर्सडे मॉर्निंग में मैंने बनाई है चाय और बनाने जा रही हूँ अब पनीर की सब्जी, तो आपको दिखाती हूँ। थर्सडे मॉर्निंग में मैं बनाऊंगी ये पनीर की सब्जी और थोड़ा नमक की जो कि मैंने तैयारी कर दी है। ये मैंने भून ली आलू प्याज, थोड़ा सा अजवाइन और हींग डाल के, और बनाऊंगी मैं इससे नमकीन जवे। और कुकर में मैं कर रही हूँ बॉयल ग्रेवी के लिए प्याज और टमाटर,
ये सभी सब्जियों को भून लेते हैं जो भी आपके पास हैं। अब इसमें डाल दूंगी मैं 2 कटोरी पानी, क्योंकि मेरे को 1 कटोरी जब बनाने हैं, और स्वाद अनुसार नमक डाल के थोड़ी देर ढक देंगे, 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो शाम में थोड़ा खाने का काम हल्का करके मैंने आज गमले मेरे पास कुछ खाली पड़े थे तो उसमें मैंने मेथी के दाने डाल दिए हैं, क्योंकि ऐसे ही मैंने बिखरे हुए दाने गमले में डाल दिए थे तो वो उग आए हैं, तो मुझे लगा कि जैसे मेथी जम जाएगी, तो मैंने 5-6 गमलों में मेथी लगा दी है। अब जब उसके पौधे निकल के आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अब आपसे मिलती हूँ थर्सडे मॉर्निंग। तो आज मैं आई हूँ बहुत ही दिनों में नीचे घूमने, गर्मी और बारिश की वजह से नहीं आ पा रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ये थर्सडे इवनिंग का मैं दिखा रही हूँ, और मिलती हूँ आपसे फ्राइडे मॉर्निंग। फ्राइडे गुड मॉर्निंग, बना दी है चाय, चाय पी के दिखाती हूँ मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो मेरी है फ्राइडे मॉर्निंग, मैंने बनाया था लौकी बनाने का प्लान, लेकिन ये लौकी की शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए इसको अकेले खाना बड़ा मुश्किल है। अब मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या बनाने जा रही हूँ, तो ये लिए मैंने मूंग मसूर की दाल, और टमाटर लिए हैं 2, इसमें डाली है मैंने थोड़ा धनिया, लाल मिर्च, सौंठ पाउडर और हल्दी पाउडर। हरा धनिया भी इस लायक नहीं होता आजकल कि उसको कच्चा ऐसे ही खाया जाए, तो इसको भी मैं टमाटर के साथ में भून लूंगी। और लिया है मैंने लहसुन, कड़ी पत्ता, 1 लाल मिर्च, हींग जीरा, तेल चढ़ा दिया, इसमें डालेंगे हींग जीरा, लहसुन और ये सब। पूरा ब्लॉग देखिए मेरा, अब आपको समझ आएगा मैं क्या बना रही हूँ। लौकी को अच्छे से भून लेंगे, इसमें डाल देंगे ये सब टमाटर वगैरह जो भी है हमारा मसाला, इसको भी भूनेंगे। ये सभी सब्जियाँ अच्छे से भून गई हैं, इसमें डाल दूंगी दाल और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें सांभर मसाला। तो इसमें डालेंगे थोड़ा कम पानी हम, और सांभर मसाला डाल के नमक डाल के 2 सीटी आने देंगे, तब तो देखो मैं ये क्या बनता है और आपको दिखाती हूँ। जब आपको कुछ समझ में ना आए तो ऐसे मिला के बना लें, कभी कभी लौकी अच्छी नहीं लगती है तो ये बहुत ही टेस्टी। दाल सब्जी जो भी मैंने बनाई बहुत अच्छी बनी है, टेस्ट करके और बताऊंगी आपको। और अब मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी, इसमें डाला है मैंने चाय की पत्ती का पानी और मेहंदी, थोड़ी देर घोल के रख दिया, अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ। मॉर्निंग खत्म, मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग, सैटरडे की मॉर्निंग, मैं बना के पी है अभी चाय और चलती हूँ किचन में, दिखाती हूँ आपको मैं आज सैटरडे में क्या बनाने वाली हूँ। तो सैटरडे की मॉर्निंग में ये दही मैंने प्लेन रहने दिए, इसको खाएंगे पोहे के साथ। दोपहर के लिए मट्ठा बना, ये बनाया है मैंने कांदा पोहा, अगर आपको रेसिपी जाननी हो तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये बनाई है मैंने आलू बीन्स की सब्जी, और ये दाल फ्राई करिए। इस तरह से मैंने सैटरडे की मॉर्निंग को गुड किया है, और अब देखो आगे क्या करती हूँ, दिखाती हूँ। और अब मैं आपसे मिलती हूँ संडे मॉर्निंग, कुछ स्पेशल प्लान करूँगी, पर मुझे अभी पता नहीं है क्या स्पेशल प्लान करूँगी, तो कुछ अच्छा बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। और ये है मेरी संडे मॉर्निंग, इसमें बना रही हूँ मैं हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, और उसके बाद मैं इसी में ग्रेवी पीस के बनाऊंगी ये तोरी। ये है मेरी संडे मॉर्निंग, तो मैं बना रही हूँ ये तोरी, इसमें डाला है मैंने घी, हींग जीरा और टमाटर की प्योरी, इसमें सब मसाले डाल लेंगे और इसको भुनेंगे अच्छे से, और फिर इसमें तोरी डाल के नमक डाल के बिना पानी डाले 1 सीटी आने देंगे, बन गई हमारी बेस्ट तोरी। टमाटर की प्योरी और मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे, तब हम ये तोरी डाल के भुनेंगे थोड़ी देर, और तब हम इसका ढक्कन बंद करेंगे। 2 सीटी अगर तोरियों के ऊपर डिपेंड करती है, अच्छी हैं तो जल्दी गल जाती हैं, अदरवाइज थोड़ा टाइम ले लेती हैं, तो इसमें लगवाएंगे हम 2 सीटी। इस मसाले को हम अच्छे से भुनेंगे और फिर इसमें तोरियां डाल देंगे, और पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, नमक डाल के बस। इसमें पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला है, ये रेशेदार बन जाएगी, दिखाती हूँ आपको कैसे बनती है। और तोरी बनी है बहुत टेस्टी। संडे मॉर्निंग के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, गुड बाय। और अपने खाने में हरी सब्जियों का प्रयोग जरूर करें ज्यादा से ज्यादा। बाय बाय।